किरण बेटा, हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। वो शख्स मजसूब जैसा लगा हो तुम्हें, क्योंकि तुम परेशान भी तो बहुत थी ना। नहीं अम्मी, उसने मुझसे बात की है। वो मेरे इतने फासले पे था जितने फासले पे इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, तो फिर वो बाबा ये क्यों नहीं था? और तुम बता रही थी कि नर्स वही थी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने उस बाबा को देखा था ना, तो नर्स वही थी, लेकिन जब उस बाबा की शक्ल चेंज हो गई तो नर्स को कैसे पता नहीं चला? मेरा तो सर चकरा रहा है, ये सब सोच सोच के क्या है? जो भी अम्मी, एक बात तो तय है, फवाद के साथ जो भी मसला है ना, उसका हल मेरी जिंदगी से ही जुड़ा है। उसका उसका सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा बस। तुम्हारी फवाद से क्या बात है? किरण बेटा, बताओ क्या बात हुई? देखो, वैसे तो तुम्हें ये बात फवाद से मिलके फौरन बतानी चाहिए थी, लेकिन कल सारा रास्ता तुम खामोश रही। बोलो क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं अम्मी, फवाद को मुझसे मिलके ज्यादा खुशी नहीं हुई। क्या? ये मैं मान नहीं सकती। नहीं सच्चा अम्मी, वो मुझसे बस ऐसे ही मिला। कुनूत की मैं किसी दिल नमाज को वहां से लगा रहा था, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी जिंदगी में अब कोई और है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब यहाँ क्यों आई हैं? आपका काम तो मैंने कर दिया। उस लड़की का भूत आपके आशिक मिजाज बेटे के सर से उतारा नहीं मैंने। हजरत बीबी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आपका बेटा आप ही के पास है। हजरत बीबी, मुझे माफ कर दें, मुझे सब समझ में आ गया। आपके तावीजों का असर किरण को फवाद के दिलो दिमाग से निकालने के लिए किसी ख्याली लड़की से मिलवा दिया, ताकि वो किरण को भूल जाए। लेकिन मुझे मेरा बेटा अब चाहिए, बिल्कुल वैसे ही, पहले जैसा नॉर्मल। मैं आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगी। लगता है कि आपका मिजाज अब ठिकाने आ गया। मुझे माफ कर दें हजरत बीबी, जरा देर से समझ में आई। कल जब किरण फवाद से मिली तो फवाद ने उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि वो किसी ख्याली लड़की। क्या आप किसी ख्याली लड़की को जानती हैं? कौन है वो हजरत बीबी? ये सब हमारी अमलियात के करिश्मे हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कर दिया था ना आपका काम? हाँ, लेकिन बस अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। बस हजरत बीबी, अब आप मेरा ये काम कर दें, मेरे बच्चे को वो ख्याली लड़की नजर ना आए, वरना वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। बस, या और कुछ? क्या मतलब?
आपके बेटे की शादी आपकी बहन की बेटी से भी तो हो सकती है। हाय हजरत बीबी, अगर आप ऐसा कर देंगी ना तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत होगी। लेकिन ये काम महंगा होगा। पैसे की कोई परवाह नहीं, मेरी बहन के पास बहुत पैसे हैं और वो फवाद को अपना दामाद बनाना चाहती है। जब उसका शौहर मरा था ना तो बहुत पैसे छोड़कर गया था। मैं आपको मिलवाऊंगी उससे। चलो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और इस बार बेसब्री नहीं करनी। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। खुदाया ये क्या हो रहा है मेरे साथ? The thing I'm schizophrenic, while I'm not. ये सब पढ़ा है मैंने, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा, दिलनवाज है, ये कड़ा इस बात का सबूत है। लेकिन अगर वो है सबको नजर क्यों नहीं आती? क्या मैं वाकई हेलुसिनेट? नहीं नहीं, सब जो भी है मुझे दुनिया वालों के सामने, लोगों के सामने खुद को नॉर्मल शो करना है, ताकि इस कमरे से तो मेरी जान छूटे और फिर दिलनवाज को ढूंढना है अपने घर से या फिर शायद इस जगह से जहां हम पहली बार मिले थे, वहीं से कोई सुराग मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। जिंदगी बहुत हमवार करती कि फवाद खुद बेइरादी से मारिया के करीब आ जाए। दिलनवाज अपने जादू से मारिया की मोहब्बत उसकी आंखों पर चढ़ा था तो रशीदा भी लाइन पे आ गई है। हमारा भरपूर साथ देने को तैयार है। जो हुक्म हज़रत बीबी। अब रशीदा के घर की सारी खुशियां उसे वापस लौटा दें। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जैसा पहले था। यूं समझो दिलनवाज कि उस घर की खुशहाली हमारी खुशहाली है। पागलों वाली बात ना करो, ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं उसे घर? इलाज चल रहा है उसका। अरे खाक इलाज चल रहा है, सुबह शाम मेरे बच्चे को नींद का इंजेक्शन लगा रहे हैं। अस्पताल में रह के तो आम इंसान के अच्छा भला बीमार हो जाता है। अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनता है, मरीजों का इलाज होता है। मेरा बेटा बीमार नहीं है, सिर्फ उसे एक लड़की ही नजर आती है ना, उसका ये मतलब तो नहीं कि सुबह शाम उसे इंजेक्शन लगाते रहे ये लोग। तुम लेके आई थी उसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस में डाल के लाई थी बाबा। हाँ तो उस वक्त वो बुखार में तप रहा था इसलिए लेकर आई थी, अब वो ठीक है। वैसे भी मैं अपने बेटे की शादी करवा दूंगी और उसे वो लड़की नजर आना भी बंद हो जाएगी। कि तुम किरण को इसलिए हॉस्पिटल बुलाया था तुमने? अरे नहीं, किरण को तो वो भूल चुका है और वैसे भी किरण की उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, उसकी शादी होने वाली है। तो फिर किससे शादी करवाओगी इसकी? मैं किसी से भी शादी करवा दूंगी, बस तुम उसकी अब हॉस्पिटल से छुट्टी करवाने की बात करो, किसी भी डॉक्टर से बात करो, बस हम उसे घर लेके जाएंगे। जो तुम्हारे जी में आता करो, लेकिन ये बात जहन में रखना कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ। बैंक में ना जाऊं, हॉस्पिटल का बिल नहीं क्लियर करवाना? हो सके तो मेरे आने तक डॉक्टर से बात करो। वैसे तो आप बहुत सही दिख रहे हैं। एंड जस्ट टेल मी हाउ डू यू फील नाउ? पहले से बहुत बेहतर सर, आप ठीक कहते थे, वो लड़की सिर्फ एक वहम था, कुछ नहीं। दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। अब मुझे कोई हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे, आई एम श्योर आपकी दवाएं काम कर रही हैं। तो ठीक है, हम आपको हॉस्पिटल में नहीं रखते, हम आपको बहुत जल्दी घर भेज देते हैं।
बस आपको अपनी दवाइयां लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखनी होंगी। सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? अगर आपकी विजुअल हेलुसिनेशन खत्म हो गई है तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं आपको आज ही डिस्चार्ज कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कब से रीज्वाइन कर सकता हूँ? आई सजेस्ट कि आप अभी ना कम से कम 15 दिन रेस्ट लें, क्योंकि इन दवाइयों में नींद है और 10-15 दिन के बाद मैं आपको नॉन सेडेटिव मेडिसिन तजवीज करूँगा, तो आप उन्हीं को रेगुलर रखिएगा एंड होपफुली बहुत जल्द आप मामूलाते ज़िंदगी पे वापस आ जाएंगे। आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है, मैं स्टाफ को भेज देता हूँ। सी यू लेटर। किसका मसला है और क्या? हजरत बीबी, मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए। कई हकीमों और डॉक्टर को दिखाया लेकिन अल्लाह ने अभी तक हमारी नहीं सुनी। मसला किसके साथ है, तुम्हारे साथ या तुम्हारे शौहर के साथ? लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बांझ है। ये तावीज 7 दिन निहार मुमकिन है। कीमा और मुर्गी से परहेज करना है, सिर्फ दाल खानी। 7 दिन के सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। ओके, अब तो फवाद काफी बेहतर हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले 2 रोज से तो बिल्कुल नॉर्मल है। दैट्स गुड। अभी उसको कोई हेलुसिनेट वगैरह कोई लड़की तो नजर नहीं आ रही ना? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं होता हूँ, मैं तो अपने काम पर चला जाता हूँ। ये माँ ही होती है उसके साथ, यही बता सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में क्या मेरे बेटे को छुट्टी देते हैं। माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बातें भी सही कर रहा है। वो जैसे आपकी मर्जी। तो आप नहीं चाहती हैं कि हम मजीद इसे 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको छुट्टी दे दें, अगर वो यहाँ रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसका फाइनल चेकअप कर लेता हूँ और उसका डिस्चार्ज स्लिप बना देता हूँ। ठीक, इसमें रिपोर्ट है जो लास्ट आपके डेस्क है। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। बड़ी, दरवाजा बंद कर। बड़ी, आपने मुझसे दरवाजा क्यों बंद करवाया? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है बड़ी? मैं नहीं चाहती कि ये बात दिलनवाज के कान में पड़े। कौन सी बात, क्या बात है? छुट्टी, मुझे पिछले महीने से जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी, कल रात से खांसी शुरू हुई और आज तो बड़ी मुझे बताया, मुझे घबराहट हो रही है।
खांसी करते करते खून भी निकला। चले उठे, अभी मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मेरी बात सुनो, मेरी हालत का अंदाजा दिलनवाज को किसी सूरत में नहीं पता होना चाहिए। क्यों छोटी, तुम तो जानती हो जब आमिल कमजोर या बीमार पड़ जाता है तो उसका मौकल उसके काबू से बाहर हो जाता है। लेकिन लेकिन दिलनवाज हमारी मुख्लिस नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, गुलाम है मेरी। मैंने अपने वजीफों से काबू किया उसे। वो तो हमारे साथ अब्बा हजूर के जमाने से है ना। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी है छोटी, तुमने समझा क्या? ये आपकी जिंदगी का मामला है बड़ा, और मेरी जिंदगी मेरा काम है। बस तरीका है, मैं उस वक्त जाना पड़ेगा जब जब दिलनवाज मसरूफ होगी, ऐसी मसरूफ कि उसे दुनिया जहान की खबर ही ना। ऐसी कौन सी जगह है बड़ी? पड़ोस का लड़का 2-3 दिन में अस्पताल से आ रहा है। आखिर कौन है वो लड़की जिसकी वजह से फवाद ने मुझे बुला लिया? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, या फिर मुझसे ज्यादा फवाद को जानती है? लेकिन फवाद ने मेरे साथ 3 साल गुजारे हैं, वो मुझसे ज्यादा फवाद को कभी नहीं जान सकती। लेकिन नशीदा आंटी तो कह रही थी कि ऐसी किसी लड़की का वजूद नहीं है, मगर उन्हें क्या पता, उन्हें तो हमारे बारे में भी कुछ नहीं पता था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है। आधे घंटे में कमरे में मिलो। आधे घंटे में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मेरी मर्जी, इंतजार करो मेरा। और अगर आधे घंटे बाद मुझे मेरी बहनों ने ना निकलने दिया तो? तुम्हारी बहनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ जरूरी बातें कर लो। हाय साहब, मुझे तो डर लग रहा है, अपने दिलनवाज पे इतनी सख्ती करेंगे आप? फवाद, आधे घंटे में बोलना मत। नहीं नहीं, ये तो आपकी हुस्न नजर है, बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जी जी बिल्कुल, इबादत का खुली होगी, आप हदिया लेकर आ जाइए। अल्लाह हाफिज। जी हजरत बीबी, फौरन से पेश से जुबैदा के घर चली जाओ, उसकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उन्हें हर सूरत में लड़की पसंद आनी चाहिए। जो हुक्म हजरत बीबी। अच्छा और सुनो, हाँ मैं 2 घंटे के लिए मुराकबे में जा रही हूँ, मुकम्मल यकसुई चाहिए, 2 घंटे से पहले मत आना। जी छोटी, छोटी जी जल्दी से तैयार हो जाओ, बस सिर्फ 2 घंटे जाकर अस्पताल से हुआ है। बड़ी लेकिन दिलनवाज, उसको मैंने मसरूफ किया है ना, जल्दी से तैयार हो। अच्छा
बत्तियां कौन बंद करेगा? छोटी, अब बताओ सारी बात, कौन हो तुम और अगर तुम हो तो किसी और को नजर क्यों नहीं आती? हाय साहब, आते ही इतना मुश्किल सवाल। पहले थोड़ा खुद को देख तो लेने देते, जी भर के बातें कर लेने देते। दिलनवाज, फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए और मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। काश साहब, काश आप ये कहते कि आपको कितनी बेचैनी से मुझसे मिलने का इंतजार था। मेरी बातों को मत टालो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा वजूद किसी और को नजर क्यों नहीं आता? वजूद? वजूद ही तो नहीं मेरे पास। मतलब? अगर मैं सच बताऊंगी तो मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना साहब? दिलनवाज, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? मैं इंसान नहीं हूं। जाते हैं और आपके पड़ोस में जो दो बहनें रहती हैं, मैं उनकी गुलाम जिन हूं। सच्चा साहब, हम उजाड़ घरों और वीराने में बसेरा करते हैं, खामखा आपसे कोई वास्ता भी नहीं रखते। हमारी आबादी आपसे कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था ये आने के बाद? हाँ, वो मैं थी। शुरू में आपको बहुत तंग किया मैंने, फिर आप मुझे अच्छे लगने लगे साहब। आपने अपनी बहादुरी से दिलनवाज का दिल जीत लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था साहिब, डर था कि कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे और मेरी शिकायत हजरत बीबी से ना कर दे। कैसे दूर जा सकता हूँ तुमसे? सिर्फ ना चाहता हूँ दिलनवाज के एक दफा माँ बाप से मिल लो, एटलीस्ट वो तो मुझे पागल ना समझे। साहिब, यही तो मुश्किल है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, मैं हजरत बीबी की गुलाम हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी नहीं ले सकती, शादी कर सकती अपनी मर्जी से? यही ना साहिब, शादी मेरी मर्जी से नहीं, हसन बीबी के कहने पे हुई थी। क्या? हजरत बीबी की मर्जी से? जितना सब कुछ तुम बता चुकी हो मुझे पागल करने के लिए काफी है। भरोसा किया था तुम पे, मुझे तो बताना चाहिए था ना। आपकी दिलनवाज की जबान पर गुलामी का ताला लगा हुआ था साहिब, मैं आपको मजीद धोखा नहीं देना चाहती। आपको धोखे में रखकर मुझे अपनी मोहब्बत से शर्मिंदगी हो रही है साहिब। मैंने आपको सच बता दिया, अब अंजाम चाहे जो भी हो मैं आपको इससे ज्यादा बेखबर नहीं रख सकती।
लवास तुम्हारे सच बताने से उलझने और हो गई है। क्या बताऊंगा मैं अम्मा अब्बा को कि उनकी बहू एक इंसान नहीं एक जिन है, अब वो खुशी खुशी मान जाएंगे, ऐसा लगता है तुम्हें? साहिब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, मैं उनकी खिदमत करूंगी, उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। इतना आसान नहीं है दिलनवाज, इतना आसान नहीं है। कुछ और सोचना होगा, एक रास्ता है। दिलनवाज कैसा नहीं हो सकता कि तुम अम्मा अब्बा से मिलो और हम ना बताएं कि तुम इंसान नहीं हो, जिन हो, प्लीज। नहीं सर, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, वो मेरे वजूद की ताब नहीं ला सकेंगे। साहिब आप में वो ताकत है, आप किसी भी जिन का सामना करने की साथ रखते हैं, लेकिन आपकी अम्मा बीमार हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी वो, और यही होता है जब कोई इंसान हमारा सामना करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा, कैसे हम साथ रहेंगे। थोड़ा सब्र कर लो ना साहेब, हमें सब कुछ सही करने का मौका जरूर मिलेगा, मैं जानती हूँ फिर हम उन्हें सब बता देंगे साहेब, लेकिन फिलहाल हमें अपने रिश्ते को छुपाना होगा। तुम उनकी गुलामी छोड़ क्यों नहीं देती, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम रह सकती हो छुपके, तुम जिनो कुछ भी कर सकती हो। इतना आसान नहीं है ये, काश उनके आगे मेरा बस चलता तो मैं कब की अपना आप आपको सुपुर्द कर देती, बगैर किसी चिल्ले और अमल के आपके गुलाम बन जाती। बड़ी, दिलनवाज वापस नहीं आई। महारानी पड़ोस में इश्क लड़ा रही, आ जाएगी। घंटे में मैंने अपना अमल शुरू करना है। आप ये अमल नहीं करेंगी बड़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बकवास मत करो, पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है 15-20 दिन की मेहनत में जाया करूंगी? मैं इस अमल को पूरा करूंगी चाहे कुछ हो जाए। बड़ी आप कमजोर हैं, आपके अंदर इतनी सकत नहीं है कि उनकी मजामत सह सके। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। छोटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी नुकसान हो, मुझे ये अमल पूरा करना है। छोटी मैं नहीं जानती कि अब मेरे पास कितना वक्त बाकी, लेकिन हर हाल में ये चिल्ला मुकम्मल करूंगी। मैंने बहादुर का ख्वाब जरूर पूरा करना है। मैंने अब बहादुर के नाम का घर खरीदना है, जिसकी पेशानी पे बहादुर का नाम लिखा होगा। बस बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आइंदा मत कहना, मत करें ये वजीफा कि ये अमल छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगी, पूरा करूंगी। फवाद, फवाद,
बेटा तुम किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहा था? सोया हुआ था मैं तो। लेकिन बेटा मैंने तो खुद सुना है तुम किसी से बात कर रहे थे। कान बज रहे हैं आपके, आपने दरवाजा बजाया तो मेरी आंख खुली है, सोया हुआ था। अच्छा हो सकता है तुम नींद में बुड़बुड़ा रहे हो। के कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं ले लूंगा। अम्मा आप जाएं सो जाएं प्लीज। ठीक है। अच्छा साहेब अब मुझे जाना होगा। आज रात रुक जाओ प्लीज मेरे लिए। नहीं साहेब मैं नहीं रुक सकती, मैं मजबूर हूँ, ये सब मेरे बस में नहीं है, मुझे जाना होगा। कब जान छूटेगी तुम्हारी उन औरतों से? अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये दीवारें भी गिर जाएंगी साहेब। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है, ऐसा जरूर होगा साहेब। क्योंकि अब मैंने आपके लिए, हमारे लिए सोचना शुरू कर दिया साहेब। मुझे जाना होगा, मुझे बुलावा है साहेब, मैं जा रही हूं। तुम्हें अमल के वक्त हर दफा बुलाना क्यों पड़ता है? तुम जिम्मेदारी से खुद क्यों नहीं आ सकती दिलनवाज? हज़रत बीबी इस वक्त रशीदा बेगम क्यों फोन कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रशीदा बेगम, क्या ये खैरियत? इतनी रात का ये फोन? आप मेरी बात सुनिए रशीदा बेगम, आपका बेटा ज़हनी मरीज है, एकदम से ठीक नहीं हो सकता। रशीदा बेगम बेसब्री करेंगी तो अमल उल्टा भी हो सकता है। बस मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम कब से इतनी गैर जिम्मेदार हो गई बताओ मुझे? रशीदा बेगम मुझे ये कह रही है कि हमने तो कोई काम ही नहीं किया। बताओ उसका बेटा अभी तक अकेले में बातें कर रहा है किसी से? मैं तो आपकी हुकुम पर काम कर रही हूँ हज़रत बीबी। आपने कहा था ना कि फवाद की कजन को उसके लिए राहमवार करना। दिलनवाज मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लंबी लंबी तकरीरें करो उसके साथ। मुझे बताओ तुम कब से इतना बोलना शुरू हुई हो? हाँ चुपचाप से अपना जादू करो और काम निकालो। आइंदा ख्याल रखूंगी हज़रत बीबी। अब आओ बैठो ताकि मैं अमल शुरू करूं। कहाँ जा रहे हो बेटा? हॉस्पिटल। लेकिन तुमने तो कहा था आज मैंने छुट्टी ली हुई है। जी सेमिनार है एक इम्पोर्टेंट, सीनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कब खत्म होगा तुम्हारा सेमिनार? हो जाएगा 2-3 घंटे में। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज अगर बता दिया तो वो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। नाश्ता कर लो ना, तुम बना दो। नहीं नहीं करना। अच्छा चाय बनी हुई, चाय पी लो। अब्बा चले गए,
वो तो मुंह अंधेरे ही चले गए आज सुबह। ठीक चले, कुछ चाहिए बाहर से? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ आज तुम्हारी लिए कोरमा बना रही हूं मैं, जल्दी आना। अल्लाह हाफिज़।